एक ज़माना था सर मजदूरी का काम करते थे, और आज एक ज़माना आ चुका है कि सर आज लगभग 60 से 65 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। तो फिर से एक बार हमारे साथ है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नाम तेजस लेंगर जी। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्ते सर। तो सर सबसे पहला और अहम सवाल है आपसे मैं पूछना चाहूँगा। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि 1500 रुपये से बकरी का मीट प्रति किलो कौन खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में तो 400 या 500 से अभी बिक रहा है। तो इसका डाउट क्लियर कीजिए सबसे पहले। सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सुधाकर जी। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग 400 या 500 रुपये मीट का भाव चल रहा है, ये भी बात सही है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये है कि सर ये अफ्रीकन बोर गोट्स है, जो इंडिया की नस्ल है नहीं, इंडिया के बाहर वाली नस्ल है, तो लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात ये है सर कि इतना पसंद कर रहे हैं क्या 1500 रुपये से खरीदेंगे? हाँ सर बिल्कुल खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। देखिए अभी आपके पास सोचिए गांव की 10-20 बकरियां हैं, ठीक है, जो 20 केजी से आगे उसका वेट नहीं आ रहा। आप साल में रखो, 1.5 साल में रखो, उसका अगर बकरा है तो वो 20 केजी के आगे ऊपर नहीं चला जा रहा। और ये जो अफ्रीकन बोर गोट से इसका बकरा 3 साढ़े 3 महीने में 20 केजी वेट क्रॉस कर रहा है, तो लोग गरीब से गरीब लोग भी 1000 रुपये पर केजी से इसका बकरा ले जाके वो उन बकरियों को क्रॉसिंग दे रहा है, उन बकरियों को क्रॉस बना रहा है सुधाकर जी। तो उससे मुनाफा ये हो रहा है कि हर बकरे के पीछे 7 से 8 केजी वेट बढ़ के आ रहा है। ब्रीडिंग के लिए इसका यूज किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल सर, ब्रीडिंग के लिए इसका यूज करने से कम आपको ये 7 या 8 केजी वेट बढ़ा के देगा 6 महीने में। 6 महीने में आपको ये 7 या 8 केजी वेट बढ़ा के देगा। बकरी पालन की शुरुआत करने से पहले आप क्या करते थे और इस बिजनेस में कैसे आने की सोचा आपने? सर देखिए मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। अच्छा। और मेरे जेब में खाने के पैसे वांदे थे एक दिन के। अच्छा। जब मैं काम करूँगा तभी घर चलेगा मेरा, ऐसी मेरी परिस्थिति थी। दूसरी बात है कि मैंने बहुत काम किए हुए, जैसे कि सब्जी बेचना या फिर गाड़ी चलाना, जो अभी भी मेरे पास है महिंद्र मैक्स पिकअप गाड़ी जो माल वाहतुक रहती है, उससे मैंने कई जगह जाके ये पुणे रहेगा बॉम्बे रहेगा, इसमें मैंने अंगूर खींचे हुए वो गाड़ी से, टोमेटो खींचे हुए, हर जगह मैंने गाड़ी से काम किया, लेकिन उससे भी पेमेंट कम आता है। ये सोच के मैंने 2006 में अफ्रीकन बोर गोट्स की एक फीमेल और एक मेल लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। दूसरी बात है कि वो बिजनेस जब मैंने शुरू किया तो लोग बोलते थे कि 40,000 में अफ्रीकन बोर गोट्स का बकरा बिकता है, 50,000 में बकरा बिकता है, तो मैं बोलता था कि ये पागल लोग हैं, ये कुछ भी बोलते हैं। लेकिन मैंने जब अपनी आँखों से देखा कि भाई ये 50,000 में सच में 40,000-50,000 में बकरा बिक रहा है, तो मैंने सोचा कि भाई एक बैल बड़ा लेने से और उसको आटा खिलाने से ये तो बहुत अच्छा है कि इसको मक्का खिला और 50,000 में बेचो। तो वो मैंने बात पकड़ ली और मैंने 2006 में अफ्रीकन बोरगोट से बिजनेस स्टार्ट किया। अभी कितने पास है अभी आपके पास? अभी मेरे पास अफ्रीकन बोरगोट्स 150 से 200 तक है और बिटल अपने पास 150 है। टोटल कुल मिला के मेरे पास अभी 350 बकरों का मेरे पास अभी गोट फार्म है। काबिल तारीफ है आपका काम। तो सर हमारे दर्शकों के काम की बात करते हैं अभी, कि अगर कोई हमारे व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स 5 फीमेल बोर और 1 मेल बोर से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 1 साल में कितनी कमाई कर सकते हैं खर्च निकाल के? देखिए सर 5 फीमेल अगर आप लेते हैं तो 5 फीमेल के 10 बच्चे मिल जाएंगे आपको, 3.5 महीने में वो बच्चे 20 केजी वेट क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। कम से कम 30,000-1500 रुपये पर केजी जैसे कि हम बच्चे बेच रहे हैं उसी हिसाब से अगर पेमेंट पकड़ा जाए तो कम से कम 3 लाख रुपये 10 बच्चों के मिल जाएंगे आपको। उसमें अगर 50,000 रुपये मोटा मोटा खर्चा भी पकड़ा सर तो भी आपको 2.5 लाख तक बच जाएंगे 5 फीमेल और 1 मेल के पीछे। यानी दोस्तों अगर आप 1 साल में 5 फीमेल और 1 मेल के साथ ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो साल के आप लगभग 2.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप 10 फीमेल और 1 मेल से शुरू करते हैं तो लगभग 5 लाख रुपए तक की अर्निंग या 4 लाख रुपए तक की अर्निंग आपको सालाना हो सकती है। सर अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारी बकरियां मर जाती है कुछ दवाइयों के कारण, कुछ बीमारियों के कारण, है ना, तो इससे लोगों को बहुत नुकसान होता है।
तो इसके लिए बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आप बीमारी के बारे में बोल दिए सर, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, मेरे पास आपको बताने के लिए सबसे बढ़िया मैं बात बोलूंगा आपको कि उसको जो जंत का डोज रहता है वो हर 3.5-4 महीने में आप 4 महीने में लमसम एक जंत का डोज दे दीजिए। और ईटी और पीपीआर जो साल में आपको 2 बार देनी है, एक साल में 2 बार देनी है, एक बार ईटी और एक बार पीपी जो लसीकरण रोकता रोकथाम होगी उनके रोगों की। हाँ बिल्कुल सर। और दूसरी सबसे बढ़िया बात यह है सर कि उनको पेट भर के खाना चाहिए। तीसरी बात कि उनको जो बिल्कुल साफ सुथरा चारा देना चाहिए। दूसरी बात कि उनको बिल्कुल साफ पानी देना चाहिए और जो आपका गोट फार्म है उसमें सफाई भी रखनी चाहिए। अभी आप बकरियों को क्या क्या खिलाते हैं, हर एक चीज का नाम बताइए। ठीक है सर, देखिए अभी हम सूखे चारे में तुअर का भूसा दे रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात के हमारे यहाँ पे ततु बोलते हैं या फिर तुती बोलते हैं, उनको उसको दे रहे हैं, मेथी ग्रास दे रहे हैं, लहसुन ग्रास दे रहे हैं, हरे चारे में उनको जो मक्का रहती है ना, मक्का हरा, वो हरी मक्का भी दे रहे हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए 5 फीमेल और 1 मेल के लिए जगह कितनी लगेगी? सर देखिए, 5 फीमेल और 1 मेल के लिए आराम से 14 फुट चौड़ा 14 फुट लंबा में हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात मैं आपको बता दूं कि शुरू में शेड बनाने की इतनी जल्दी नहीं कि आप 5 फीमेल और 10 फीमेल या फिर 5 फीमेल ले रहे, तो शुरू में आप शेड पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, शुरू में आप बकरियों पे फोकस कीजिए। आप बकरियाँ ले लीजिए और फिर आपके पास 35-30 बकरियाँ जिस दिन होगी उस दिन आप बड़ा फार्म डालिए, ठीक से साफ सुथरा फार्म डालिए। लेकिन शुरू में ही आप 50 बकरी आप ले रहे हैं, 5 बकरियाँ और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 50 या 60 या फिर 100 बकरियों की, ऐसा मत कीजिए। आप शुरू में छोटा ही फार्म बनाइए, पहले बकरियों पे फोकस दीजिए और फिर उसके बाद जैसे आपके पास अवेलेबल बकरियाँ अच्छी रहेगी उस टाइम पे आप फार्म बढ़ा के आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। यानी दोस्तों आपको शुरू में 5 या 6 या 10 से शुरुआत करनी चाहिए, जब उसके बच्चे पैदा होंगे ऐसा बढ़ते बढ़ते आपका प्लांट बड़ा बन जाएगा। एक ही बार में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, फिर आप खुद का प्लांट सर की जैसा बना सकते हैं, उसमें भी आप सर आपको मदद करेंगे। अब बात करते हैं बीटल की, तो बीटल के 5 फीमेल और 1 मेल से कितनी कमाई की जा सकती है और उसका इन्वेस्टमेंट कितना आ सकता है? देखिए, अभी कुछ लोगों ने हमें पूछा कि भाई अफ्रीकन बोर से आपको इतना पेमेंट मिल रहा है तो आप बीटल क्यों संभाले हुए है। तो देखिए, बीटल का क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई हमारे पास पेमेंट ही नहीं है, बहुत कम पेमेंट है, तो आप बीटल से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बीटल जो है अपने पास वो 500 रुपये पर केजी से हम बेच रहे हैं, जो भी जो कि बच्चा 20 केजी के आगे वाला बेच रहे हैं उसमें भी हमको कम से कम एक बकरे के पीछे 10,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर आप 5 भी बकरे खरीदते हैं तो ये 55-60 हज़ार में आपको 5 बकरियां मिल जाएगी और आपको कम से कम 60,000-70,000 तक आपको सालाना इनकम बीटल में भी हो जाएगा। सर अब ये बताइए, अभी आपने कहा कि शुरुआत में कि भाई आप सालाना 60 से 65 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इसमें से बकरियों से कितनी कमाई की जाती है और आपका जो खाद्य निर्मित उद्योग है तो उसमें आप कितनी कमाई कर रहे हैं, दोनों मिला के अलग अलग बताइए। ठीक है सर, बताता हूँ सर। देखिए, अफ्रीकन बोरगोट्स और बीटल ये दोनों मिला के मुझे 50 लाख तक कमा के दे रहे हैं और जो मेरा खाद का बिजनेस है उसमें मुझे 15 लाख तक मिल रहे हैं, तो ये ऐसे 65 लाख तक मैं सालाना कमा रहा हूँ सर। देश चल रहा है ऑर्गेनिक की सेंद्रीय की तरफ, तो मैंने ये भविष्य का सोच के मैंने ये प्लान भी डाला हुआ है। तो देखिए, इसमें खाद में भी मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है और अफ्रीकन बोरगोट्स और बीटल दोनों में पैसा मिल रहा है, तो मैं ज़्यादा फोकस अफ्रीकन बोरगोट्स ही गोट्स पे ही करूँगा क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमा के देने वाली इंडिया की अगर सबसे महंगी बकरी बोलूँगा तो मैं अफ्रीकन बोरगोट्स को बोलूँगा। अभी आपने कभी कोई 100 केजी का बकरा बेचा है जिसकी प्राइस आपको अच्छी खासी आई, जैसे ईद में बहुत डिमांड रहती है वैसा कुछ? हाँ बिल्कुल सर, इससे पहले मैंने लाख लाख तक बकरे बेचे हुए है, आज भी लोगों में डिमांड है, लेकिन अभी थोड़ा स्थिति उल्टी हो गई है सर कि मेरा बकरा ईद के टाइम पे रुक ही नहीं रहा, जो 20-25-30 केजी तक ही चला जा रहा है या फिर 35-40 केजी तक की बिक रहा है। जो 100 केजी का बकरा मैं बेचने की सोच रहा हूँ, बच ही नहीं रहा है कि मैं ईद के लिए उसको बेचूं, उससे पहले ही मेरी सब बकरे बिक रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको बकरी पालन की ट्रेनिंग लेनी है, बकरी पालन बिजनेस शुरू करना है, आप दिल्ली से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो या कर्नाटक से हो, कहीं से भी रहिए, सर आपको इस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आपको बकरियाँ खरीदना है या इस बिजनेस के संबंधी और अधिक जानकारी लेनी है
तो सर का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें रात को भी कॉल कीजिए, सुबह भी कॉल कीजिए, कभी भी कॉल कीजिए, एनी टाइम वो अवेलेबल है। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिजनेस आइडे के साथ, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों। Just kind of, you know.